हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे, हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में टुडे आवर टॉपिक इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही बस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब कि हम अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे तक हम कैसे पहुंचाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई नया फिनोमिना है कि अभी अभी अर्थ पर या फिर अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुराना से मतलब जब ह्यूमन अर्थ पर आया था या जब उसने जन्म लिया था अर्थ पर, तभी से वो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन को या फिर अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करता रहा है। कैसे कि पहले पिजन को भेजा जाता था, कबूतर के पैर में वो संदेशा बांध कर भेजा जाता था, उसको उड़ाया जाता था, वो बात अलग ही, कभी कभी वो अपने भटक जाया करता था रास्ता। और उसके बाद जो मैसेंजर थे, दूत थे, वो लेकर जाया करते थे, मैसेज लेकर जाया करते थे, फिर जहाँ पर उन्हें जाना वहाँ पर जाकर पढ़कर सुनाया करते थे कि ये मैसेज आया वहाँ से। फिर वहाँ से जो मैसेज दिया जाता उसको लेकर वापस आते थे, तो मैसेंजर थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फिनोमिना है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, वो पहले से किसी न किसी तरीके से अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते रहे हैं। बट अभी कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, जो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसने एक बहुत ज़्यादा इसको एक एडवांस बना दिया है। सो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। वही जो हमने बात की, तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, कि अभी नया फिनोमिना आया अर्थ पर। इट इज़ देयर सिंस ह्यूमन अपेयर्ड ऑन द अर्थ। वो तब से है जब ह्यूमन अर्थ पर अपेयर्ड हुआ था, जब से ह्यूमन अर्थ पर आया है, अवतरित हुआ है, तब से वो कम्युनिकेट करता रहा है किसी न किसी तरीके से। बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। लेकिन अभी कुछ टाइम में, कुछ 10 साल में, इसमें बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है किसमें, कम्युनिकेशन में। अभी हम कहीं जाने, घर से निकलते ही क्या कर देंगे, हमने इससे पहले वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट किया था। हम लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो एक लाइफ लाइन हमारी क्या थी, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारी सेकंड लाइफ लाइन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों जब मिल जाते हैं तो वो बहुत एडवांस हो जाते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, घर से निकले, और घर से निकलते ही हमने क्या किया, फ़ोन कर दिया कि मैं यहाँ से घर से निकल गया हूँ। तो हमने क्या किया, कम्युनिकेशन को भी यूज़ किया और किसको, ट्रांसपोर्टेशन को भी यूज़ किया, कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ कर रहे हैं और कम्युनिकेट, हमने फ़ोन कर दिया कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ तो मुझे वहाँ मिल जाओ, है ना। तो जो मॉडर्न टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा मास कम्युनिकेशन। पर्सनल का मतलब क्या है कि मैंने अपना फ़ोन उठाया और किसी को मैंने अपना फ़ोन लगाया, तो मैंने अपना फ़ोन कान से लगाया, दूसरा जिसको मैंने कॉल किया उसने मेरी बात सुनी, मैंने उसको बात कही, उसने मेरी बात सुनी, ये क्या हो गया, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, कि हम दोनों ने कम्युनिकेट किया। एंड लेटर की, किसी मैंने लेटर किसी को लिखा और जिसको लिखा उसने वो लेटर पढ़ लिया, ये क्या हुआ, पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो एक बार में, कि जे पर्सनल है कि यहाँ पर एक पर्सन है, उसने किसी एक पर्सन को कम्युनिकेट किया तो उसने उसकी बात सुन ली, वो क्या हुआ, पर्सनल कम्युनिकेट। वहीं पर मास की बात करें तो एक पर्सन और वो मल्टीपल लोगों को अगर मैसेज करता है, कम्युनिकेट करता है अपनी बातों को, तो वो क्या हुआ, मास। जैसे टेलीविज़न पर जो भी प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहे हैं, न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो ऐसे तो है नहीं कि जिसके घर में वो टेलीविज़न लगा हुआ है बस वही लोग उसको देख रहे हैं, कहाँ, वो पूरी कंट्री के पीपल्स उसको देख रहे हैं। रेडियो, पूरी कंट्री के पीपल्स उसको सुन रहे हैं, प्रेस, न्यूज़पेपर्स एंड यूट्यूब, जो नया है यूट्यूब एसेट्रा। तो ये क्या है, ये मास कम्युनिकेशन है, कि एक बार एक बहुत बड़े जन समुदाय को क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं कोई भी मैसेज, कोई भी चीज़ें। तो ये दो तरह के कम्युनिकेशन हो गए, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। एंड द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एंड इट हैंडल पार्सल
एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, कि वो क्या करता है, वो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करता है, पार्सल्स को भी और जो पर्सनल रिटर्न जो लेटर वगैरह हैं वो भी और पार्सल दोनों चीज़ों को हैंडल करता है। तो वो दो पार्ट में उसको कैटेगराइज कर दिया है, कैसे, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल जो बहुत इंपॉर्टेंट, कार्ड्स एंड एनवलप, जो फर्स्ट क्लास का मेल है उसमें कार्ड और एनवलप को मेल किया जाता है, सेंड किया जाता है। एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर, लैंड एंड एयर से उसको लिफ्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। बात करें सेकंड क्लास मेल की, तो सेकंड क्लास मेल में क्या है बच्चे, जो भी बुक पैकेट्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, ये सब क्या, कैरिड बाय सरफेस मेल, ये सब सरफेस मेल से सेंड किए जाते हैं। सरफेस मेल में क्या है, वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट, इसमें वाटर और लैंड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके सेकंड क्लास मेल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये क्या हुए, ये दो तरह के मेल्स इंडिया में दो तरह से जो भी कम्युनिकेशन है उसको दो तरह से किया जाता है, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास में कार्ड्स और एनवलप और सेकंड में जो भी बुक पैकेट्स हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं और पीरियडिकल मैगजीन्स वगैरह हैं वो सब पार्सल की जाती हैं। एंड फॉर क्विक डिलीवरी देयर आर सिक्स चैनल्स बनाए हुए हैं कंट्री में जो अलग अलग तरह के मेल्स को डिलीवर करते हैं, जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियडिकल चैनल। सो छह चैनल्स को डेवलप किया हुआ है जो अलग अलग तरह के मेल्स को या फिर अलग अलग तरह के पोस्टल वर्क के लिए अलग अलग तरह के चैनल्स बनाए हैं, जैसे कि बिजनेस चैनल है तो यहाँ से बिजनेस पर्पस के जो मेल्स हैं वो चैनलाइज किए जाते हैं, जो बल्क मेल चैनल्स हैं यहाँ से बल्क में मेल्स को चैनल किया जाता है, पीरियोडिकल चैनल, तो अलग अलग चैनल्स बनाए हुए हैं जिससे जो ये फैसिलिटी है वो और ज़्यादा क्विक हो जाती है और तेज़ी से अपना वर्क करती हैं। यहीं पर हम टेलीकॉम नेटवर्क की बात करें तो जब टेलीकॉम और कम्युनिकेट दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, एक बूम देते हैं कम्युनिकेशन को। कैसे, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेली नेटवर्क, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। क्या कहा है कि एशिया में जितने भी लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क हैं उनमें से इंडिया एक है, मतलब इंडिया का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो लार्जेस्ट है। एंड मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया के जो 2/3 विलेजेस हैं वहाँ पर पहले ही एसटीडी मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी टेलीफोन फैसिलिटी पहले ही प्रोवाइड करा दी गई। कितने, टू थर्ड विलेजेस में, सिर्फ कितने बचे, 1/3 विलेजेस बचे हुए हैं। तो एसटीडी पहले बहुत हुआ करती थी, अब तो कहीं नज़र आती है, मुश्किल से कहीं नज़र आती है। देखो एसटीडी इस तरह की होती थी कि उसमें सिक्का डाला और नंबर को डायल किया और जहां भी बात करनी है वहां पर बात हो जाया करती थी, तो कुछ इस तरह के एसटीडी बूथ दिखा करते थे। तो ये लगभग इंडिया के 2/3 विलेज में फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई कि अगर जो विलेज के पीपल्स हैं वो इस फैसिलिटी को इंजॉय कर सके, उनको कहीं कॉल करना है तो उसमें क्या करें, कॉइन डालें, नंबर डायल करें और बात कर लें। एंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविज़न टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रोविज़न फॉर्म किए, किस लिए, कि जो भी दूर दराज के विलेज हैं वहाँ पर 24 घंटे क्या एसटीडी फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, कि कभी भी 24 घंटे में कभी भी वहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़े तो वो क्या करें कि उस एसटीडी का यूज़ करके जहाँ वो चाहें बात कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी उनको हो तो उसमें वो बात कर सकते हैं। एंड इट हैज़ मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहा है कि ये पॉसिबल हो पाया है, किससे,
स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलप्ड होने से, दोनों टेक्नोलॉजी जब एडवांस हो गई, डेवलप्ड हो गई, तो उससे ये सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो पॉसिबल हो पाई हैं। एंड द मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, ये तो सबको पता है कि जो मास कम्युनिकेशन है, स्पेशली यहाँ पर बात हम करें टीवी की, टेलीविज़न की, तो क्या करता है वो एंटरटेनमेंट तो दे करता ही करता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर सॉन्ग सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या फिर और कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स देख रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहा है, एंड क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता भी लोगों में फैला रहा है अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम, जो राष्ट्रीय प्रोग्राम हैं, आयोजन हैं उनके बारे में, एंड द पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको लेकर अवेयर करा रहा है। इसके साथ साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्री में हैं या जो डिजीज़ हैं, अभी जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला तो उससे रिलेटेड सारी अवेयरनेस की कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, क्या मीजर्स को फॉलो किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, तो वो सारी अवेयरनेस हमें कहाँ से मिलती है, जो मास कम्युनिकेशन है कि वो टीवी पर टेलीकास्ट की जा रही है, रेडियो पर टेलीकास्ट की जा रही है, जैसे लोगों में अवेयरनेस फैल सके। एंड इंक्लूड रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म, तो जो मास कम्युनिकेशन में इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, किस लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और दूसरी चीज़ों से अवेयर कराने के लिए। इंडिया रेडियो, रेडियो का जो चैनल है आकाशवाणी, वहाँ से सॉन्ग्स सुन सकते हैं, वहाँ से टाइम टाइम पर न्यूज़ सुनाई जाती हैं, अलग अलग लैंग्वेज में न्यूज़ आती हैं। वहीं पर जो टी वी का चैनल है दूरदर्शन, जो नेशनल चैनल है, पहले बस यही चैनल था, आज तो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं, तो दूरदर्शन चैनल जहां से ब्रॉडकास्ट किए जाती थी अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल और लोकल लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स वहां से टेलीकास्ट किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं, पर आप कोई उसको देखते नहीं, बहुत कम लोग हैं जो उसको, दूरदर्शन को देखते हैं, लेकिन वहाँ से अभी भी अलग अलग लैंग्वेज में वो टेलीकास्ट होते हैं फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग लैंग्वेज में वो प्रोग्राम टेलीकास्ट किए जाते हैं। न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, क्या कहा है कि जो न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं कंट्री के अंदर, इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स, हिंदी फॉलोड इंग्लिश एंड उर्दू, कि सबसे ज़्यादा हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश एंड देन उर्दू, अलग अलग लैंग्वेज और डायलैक्ट्स में न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं कंट्री में। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म में भी, कि हॉलीवुड में बहुत फीचर फिल्म बनती हैं लेकिन बॉलीवुड में भी कुछ कम नहीं बनती हैं, शॉर्ट फिल्म, लॉन्ग फिल्म, फीचर फिल्म, वीडियो फिल्म, बहुत सारी तरह की फिल्म्स बनाई जाती हैं। एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है, क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट CBFC, एक अथॉरिटी है जो सर्टिफाइड करती है, परमिशन देती है, जो सर्टिफाइड करती है कि इंडिया में कौन सी, इंडियन हो या फिर वो फॉरेन फिल्म हो, कि कौन सी फिल्म दिखाई जाएंगी, कौन सी फिल्म चलेंगी। तो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन, ये हमारा सेकेंड लाइफ लाइन कम्युनिकेशन फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, क्या स्टार्ट करना है, इट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द इंटरनेशनल ट्रेड, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।